हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंग्स दैट इज सो। मैं आजकल आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो का हॉल, जो कि है बहुत ही बड़ा हॉल। और प्रोडक्ट्स जो है मैंने रैपर में आए थे, बट मैंने सबको फाड़ कर अलग कर दिया है। यहाँ तक कि मैंने प्रोडक्ट्स को यूज़ भी किए हैं अपने ऑफिस वेयर के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इनको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैंने बॉटम वेयर, टॉप वेयर और विंटर के लिए कुछ लिए हैं। तो आई होप आपको कलेक्शन अच्छे लगे हो लगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए। और मैंने इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज या रिटर्न में नहीं डाले, सब कुछ बहुत अच्छे आए थे। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को हटा रही थी जो मैंने एक्स्ट्रा लिए थे बैग में। तो आपको मैं क्या दिखाऊँ सबसे पहले, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको ये बॉटम टॉप सेट दिखा देती हूँ, जो कि ये है। और पिक्चर जो है आपको साइड में आपको फ्लैश हो रहे होंगे, ठीक है। ये इसका बॉटम पार्ट है जो कि ग्रीन कलर का है, ठीक है। बॉटम पार्ट है प्रोडक्ट्स, आई थिंक इसकी फैब्रिक सॉलिड सॉलिड में आता है। और आई थिंक ये कॉटन है, ठीक है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और स्ट्रेचेबल प्रोडक्ट है और मुझे अच्छे लगे और आई लव इट। मैंने इनको पहन के भी देखे हैं, आपको फोटोज वीडियो सब कुछ दिखेंगे यहाँ पे। और आप देख सकते हैं इसको मैंने एक दो बार पहना है, मुझे पसंद आया। इसका टॉप जो है वो स्लीवलेस है, इस टाइप का टॉप है, जो कि आप किसी भी अदर जीन्स या किसी के साथ भी पहन सकते हैं। मुझे बॉटम और ये टॉप, मतलब जो सेट होते हैं ना, इनको लेने का इसलिए मन था क्योंकि मैं इनको किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकती हूँ। इसके साथ वाइट ब्लैक टॉप वेयर कर सकती हूँ, जो कि बहुत अच्छा भी लगेगा। इसके नीचे मैं कोई भी जीन्स वेयर कर सकती हूँ, तो दैट्स वाई। नहीं तो हम इन दोनों को एक साथ भी हम पहन सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम इसी तरह से मैंने एक और बॉटम को मैच किया है, जो कि अलग थे लेकिन इनको मैंने मैच कर दिया है। तो ये एक आता है पैंट, ठीक है। ये इसका ब्लैक कलर का बेल्ट है, जो कि मुझे उतना पसंद नहीं आया, बट कोई नहीं। और इसकी लेंथ बहुत लंबी है गाइस, इसकी लेंथ बहुत लंबी है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। बट हाई हील्स के साथ इसकी लेंथ बहुत अच्छी है, अदरवाइज लेंथ मेरे अकॉर्डिंग कम है, मैं 5 फुट की हूँ, ठीक है। तो मुझे ये वाला पैंट बहुत अच्छा लगा, बहुत वैसे पैंट ये भी बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट सॉफ्ट है और आप इसको विंटर में भी पहन सकते हैं, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिया है। और सेम इसी तरह के प्रिंट में मैंने एक और टॉप देखा था, जो कि टॉप के कलेक्शंस आते हैं ना कैटलॉग, उसमें मेंशन था। तो मैंने ये वाला सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम है तो बीच बीच में खांसी आती रहेगी, तो ये वाला टॉप लिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये टॉप मुझे बहुत अच्छे से सूट कर रहा था, बहुत अच्छे से, आई लव इट। मुझे इसका फिटिंग बहुत पसंद आया, ये मीडियम साइज़ है, ठीक है, एकदम फिट है। मीडियम नहीं, इसमें एक्सेस लिखा, यानी कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है। आप मीडियम साइज़ भी ले सकते हो, क्योंकि एकदम फिटेड है। मैं हल्की सी मोटी हो गई ना, मुझे आएगा भी नहीं, बट कोई नहीं। एक और साइज़ में एक और बॉटम टॉप सेट मैंने लिया है, जो कि उनको भी मैंने मैच किया है, ये एक साथ नहीं थे। ये वाला पैंट है, इस बार मैंने बॉटम की शॉपिंग की है मीशो से। जनरली मैं नहीं करती हूँ, कुर्ती या साड़ी का ही शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने वेस्टर्न के कुछ चीज़ें बाय किए हैं, जो कि इस तरह का इसका बेल्ट आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। पीछे से इलास्टिक है, इसमें आपको पॉकेट मिल जाती है, और इसी बॉटम में ही पॉकेट है, बाकी किसी में पॉकेट नहीं था। इसकी लेंथ एकदम परफेक्ट है और उसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक सा कलर है, दैट्स वाई इसको लिया है, ठीक है। इसको मैचिंग करने के लिए मैंने ये वाला टॉप बाय किया था, जो कि 199 के अंदर आता है, ठीक है। कॉलर इसकी परफेक्ट है, एकदम फिटेड है, अच्छी है क्वालिटी, कॉटन है, सॉफ्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें कलर्स बहुत सारे आ जाते हैं, फोटोज आपको मेंशन होगा, ठीक है, उसके लिए डोंट वरी। ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा रहा मुझे। तो ये एक सेट हो गया मेरे पास, एक तीन सेट हो गए, जिनको मैं अलग अलग वेज में यूज कर सकती हूँ, ठीक है गाइस। देन इसके बाद मैंने एक हुडी ली है, जो कि ये न्यून ग्रीन टाइप में है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हुडी मैंने अपने बर्थडे में पहना था, विंटर आ गई है और
दैट्स वाई. और बर्थडे में पहना था क्योंकि मुझे कलर बहुत पसंद है और इस तरह के कलर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मुझे. तो ये प्लेन हुडी है, इसमें ब्लैक, पिंक, वाइट, ये सब हर तरह के कलर आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है. क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, प्राइस वाइज बहुत अच्छे हैं, आप बाय कर सकते हैं. ठीक है, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया. ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये टॉप लिया है जो कि बहुत अच्छे लगेंगे. बहुत मैंने एक्चुअली किया है ना, बहुत सारे टॉप के टॉप ले लिया क्योंकि मैं टॉप को लेकर ज़्यादा वो हो गई हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक आदत सी लग गई है. एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस वेयर में मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं टॉप जींस पहन के चली जाती हूँ, टी शर्ट्स. ठीक है, तो ये वाला है फेवरेट मुझे फेवरेट क्या, मुझे यहाँ पे सारे फेवरेट लगते हैं, मैं उनमें से कुछ गिन नहीं सकती, आपको बता ही नहीं सकती कि कौन सा मेरा फेवरेट है. तो एक ये वाला टॉप है जिसमें इस तरह का प्रिंट हो रखा हुआ है, वाइट कलर का है. ठीक है, इसका फैब्रिक थोड़ा अलग है, मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ उसके फैब्रिक को, जो भी है डिटेल आपको मेंशन हो जाएगी. ये वाला प्रिंट है, इसमें इस तरह के प्रिंट ना बहुत है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और बजट फ्रेंडली भी है, अच्छा प्राइस में मिल गया था. तो ये वाला टॉप भी मुझे बहुत प्यारा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली क्या है ना, मैंने जितने भी मैंने ये टी शर्ट्स लिए हैं अपने साइज से थोड़ा बड़ा लिया है ताकि मेरी मम्मी और मेरी बहनें भी वेयर कर सके. प्लस आजकल बहुत कूल स्टाइल चलता है, लूज़ लूज़, आजकल मुझे लूज़ लूज़ पहनने का बहुत मन करता है. तो नेक्स्ट है ये वाला सेम ग्रीन कलर का, आपको पता है मुझे ये ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. ये वाला टॉप आपने तो मीशो में बहुत बार देखा होगा, तो ये वाला टॉप भी बहुत सूट करता है, यहाँ तक कि मेरी सिस्टर ने भी पहना था, उसको उस पर भी बहुत अच्छा लगा और मैंने भी इसको वेयर किया अपने ऑफिस वेयर के लिए. तो ये एल साइज़ है, जितने भी टॉप आप देख रहे हो सब एल साइज़ के होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है ये पर्पल, नियॉन पर्पल, ये भी मेरा फेवरेट है, आई लव इट. मैंने इसको कई बार पहना, मुझे बहुत पसंद है ये, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, फैब्रिक तो अदरवाइज सबके बहुत अच्छे हैं. ठीक है, और नेक्स्ट ये वाला मेरा फेवरेट है, मैं आपको फटाफट दिखा रहा ताकि हॉल जो है ज़्यादा लंबा ना हो, दैट्स वाई. ये वाला पावर पफ गर्ल्स मुझे बहुत पसंद आया, ये क्रॉप टॉप है, मीडियम साइज़ है. ठीक है, ये वाला टॉप मीडियम साइज़ है, इसका फैब्रिक बहुत लाइट वेटेड है. ठीक है, मुझे प्रिंट बहुत पसंद आया, इस वजह से लिया मैंने ये. और एक और चीज़ है जो कि आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा, ये वाला टॉप है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, मुझे बहुत पसंद आया टी शर्ट, और लव इट लव इट लव इट. इसमें आपको पोकेमोन, पिकाचू, और आई डोंट नो, मैं एक्चुअली पोकेमोन पहले देखती थी, अब नहीं देखती, मैं भूल गई, बस पिकाचू मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरा फेवरेट है पिकाचू, तो इसलिए ये सारे पोकेमोन्स के लगे हुए हैं प्रिंट्स, और जो कि मुझे बहुत पसंद आया. ये प्रिंट्स एक्चुअली कुछ अट्रैक्ट करता है, अगर आप ऐसी चीज़ें पहनते हो ना तो लोग आप पे नोटिस करते हैं, या फिर कुछ अलग पहना है तो अच्छा लगता है, फीलिंग गुड. ठीक है, इस वजह से. और बात आते हैं एक और टॉप, एक और टी शर्ट की जो कि ब्लैक कलर में. देखो फ्रेंड्स, मैं अगर कुछ शॉपिंग करूँ ब्लैक ना लूँ ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ये वाला ब्लैक है जो कि ये भी मुझे बहुत पसंद आया, इसमें मिनी सा पांडा बना हुआ है जो कि आई डोंट नो क्या पी रहा है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही क्यूट है, एल साइज का है. ठीक है, ये फैब्रिक वाज नाइस, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद आया. ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक हुडी ली है, क्रॉप हुडी का हो आप इसको, जैकेट टाइप है, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद आया, मैंने इसको बहुत बार पहना, और इस विंटर आप ये डेफिनेटली आप बाय करना, आई थिंक ये आफ्टर स्टॉक ना हो. ये वाली हुडी मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आया, लेकिन उसको थोड़ा टाइट हो गया था, आई थिंक ये है एल साइज का. ठीक है, हाफ क्रॉप जैकेट स्टाइल है ये, और इसमें पॉकेट भी है, और ब्लैक कलर में है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत आपको ठंड से बचाएगा, और मुझे बहुत पसंद आया ये हुडी. फोटो वीडियो जो भी है आपको मेंशन होंगे धीरे धीरे. ओके गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट ये दो टॉप है जो कि ब्लैक एंड वाइट में लिया है, और ये वाला तो मैंने वेयर किया हुआ है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, फोटो मिल जाएगा तो आपको ज़रूर दिखा दूंगी. ये गंदा भी हो गया, वाइट कलर का टर्टल नेक का है, जो कि ऑब्वियसली आपको सर्दी से, ठंड से, हवा से बचाएगा, तो इस वजह से, और इस तरह के जो नेक है ना मुझे बहुत सूट करता है, तो इस वजह से लिया है. ये वाइट कलर का है,
और सेम इसी में ही ब्लैक कलर का है। ठीक है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं मीशो के, और मुझे तो मीशो के साथ शॉपिंग करना बहुत पसंद है। आपको पता ही है मैं ज़्यादातर वीडियो मीशो से जुड़ा हुआ बनाती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने मीशो से कोलैब कर रखा हुआ ये सब चीज़ें। नहीं गाइस, मैं जो भी चीज़ें बाय करती हूँ ना वो खुद के पैसों से करती हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मेरा 1000 सब्सक्राइबर अभी होने कंप्लीट होने में भी बहुत टाइम है। कोशिश कर रही हूँ कि इस साल हो जाए, और बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल जाए तो आई होप इस साल मैं 1000 कंप्लीट कर लूँ। तो अभी ऐसा कोई कोलैब का कोई वीडियो नहीं आया। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए, जो भी है सब मेरा पैसा है। ओके, अब तो गाइस मीशो को कौन नहीं जानता, सब लोग मीशो को जानते हैं और अच्छे से शॉपिंग करना सबको आता है। अगर फिर भी आपके अंदर कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो कमेंट करना मुझे इस वीडियो के लिंक में, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी इस कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मीशो के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इस वजह से आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर कुछ बेकार प्रोडक्ट्स भी होंगे ना तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ऐसा मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा नौबत मेरे पास एक्सचेंज की आई है कि मैंने एक्सचेंज किया है और वो एक्सचेंज होकर वापस आ गया है अच्छे प्रोडक्ट्स में। तो ना, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादातर ये चीज़ें होती है, तो इट्स अ कॉमन। ठीक है, बाकी मीशो के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, जेन्यून होते हैं, और चीज़ें लो तो वो वर्थ होते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आता है, इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप लोगों को भी मेरा मीशो हॉल देखना बहुत पसंद आता है, तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आई थिंक मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय गाइज़।